दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल रबी स्टडी एकेडमी में। दोस्तों आज मैं जो चीज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि ये एक श्लोक है, लेकिन श्लोक भी जो है वो किनका है? वो श्लोक है आचार्य चाणक्य का। आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए पुस्तक चाणक्य नीति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चाणक्य नीति जो है वो अर्थशास्त्र के अधिकरण से लिया गया है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही कारगर पुस्तक है, और उसमें राजनीति से संबंधित लगभग सभी पहलुओं पर बातें की गई हैं, आचार्य चाणक्य ने उसमें लिखा है, और उसी से श्लोक लिया गया है जिसको वर्तमान समय में चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप यह श्लोक देख रहे हैं। यह श्लोक इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि श्लोक से आदमी का जो जीवन में जो शिष्टाचार होता है, जो व्यवहार होता है, उसमें परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है ये पता नहीं चलता है। आदमी उस चौराहे पर जाकर खड़ा होता है जहां से उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इस प्रकार के पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप व्यवहार इसको कर सकते हैं, और करने करते ही आपका समस्या का समाधान हो जाता है। तो हम बिना समय गवाए इसको फटाफट पढ़ते हैं। मूर्ख शिष्यो पदेशेन दुष्ट स्त्री भरनेन च दुखी दुखितई संप्रयोगेन पंडितो अप्यवसिदति। एक बार और पढ़ेंगे। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरनेन च दुखितई संप्रयोगेन पंडितो अप्यवसिदति। अर्थात मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री को पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति यानी अच्छे व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। अब आप सोचेंगे दुखी मनुष्यों का तो साथ देना चाहिए, लेकिन इसको जब हम पूरा पढ़ देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं देना चाहिए। उनके साथ समागम करने यानी साथ रहने से क्या होता है? वास्तव में शिक्षा उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बात को न समझे उसे परामर्श यानी शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता है। आप बार बार बता रहे हैं फिर भी वो मूर्ख की तरह नहीं समझ रहा है, तो उसको आप नहीं बताइए। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर समय ही नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह पतिता अर्थात गिरी हुई स्त्री का भरण पोषण अथवा उसकी संगति करके विद्वान व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है, उसका अपमान हो सकता है। अब यहां पर देखते हैं, यही बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है। अब ये चीज है कि अब क्या कौन सी बात है कि दुखी व्यक्ति के साथ भी वही चीज हो सकता है जो आपने उपरोक्त पढ़ा। दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। एकाग्रता भंग होना और साधना में व्यवधान पड़ना बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत कचुकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा, और यह श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा और आप खुशी रह सकते हैं, आप इस प्रकार के आदमी से बच सकते हैं, और जैसे बचेंगे तो आपको फायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।